नमस्ते गाइस। तो भाई आज फाइनली पठान मूवी रिलीज हो चुकी है और मैं उसे देखने के लिए मेरे घर से लगभग 50 किलोमीटर दूर गया था, लेकिन भाई मुझे उस बात का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है क्योंकि ये मूवी थी इतने कमाल की। और इस वीडियो में मैं आपको इस मूवी का स्पॉइलर फ्री रिव्यू दूंगा, तो आप बिना किसी चिंता के इस वीडियो को देख सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस मूवी की स्टोरी की। तो भाई इस मूवी को देखने पे लगता है कि ये एक एटली की मूवी है, और एटली की सभी मूवीज की तरह इस मूवी में भी सामाजिक बुराइयों के बारे में बताया जाता है, जिससे जो मूवी का मेन हीरो है वो रिलेट करता होगा। यानी कि इस मूवी का जो मेन हीरो है वो समाज में मौजूद सभी बुराइयों को खत्म करना चाहता है, लेकिन वही दूसरी तरफ इन सब चीजों की वजह से इसके मेन विलन को काफी सारी तकलीफें पहुंचेगी। लेकिन जिसका मेन विलन होगा उसका पास्ट में हीरो के साथ कुछ ना कुछ लफड़ा रहा होगा। और भाई इस मूवी का बेसिक प्लॉट भी ऐसा ही है, लेकिन कई सारे ट्विस्ट और कई सारे सरप्राइजेस के साथ, जो कि इस मूवी को उन सभी टिपिकल मूवी से अलग बनाता है। लेकिन अगर हम बात करें इस मूवी में दिखाए गए एक्शन की, तो भाई ये अभी तक बॉलीवुड मूवीज में जितने भी एक्शन सीन्स है उनमें जो स्टैंडर्ड वाली एक्शन सीन मूवीज है ये उनमें जाके फिट होएगी। क्योंकि भाई कई कई जगह पे तो मैं ये बिलीव भी नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कोई एक्शन सीन हमारे बॉलीवुड डायरेक्टर ने सोचा है। और अगर मेरे लिए इस मूवी का जो सबसे फेवरेट एक्शन सीन था वो इस मूवी की शुरुआत में ही था। भाई किस लेवल की सिनेमेटोग्राफी इन्होंने उस एक्शन सीन में करी थी। लेकिन इसके अलावा भी इंटरवेल से जस्ट थोड़ी देर पहले एक एक्शन सीन आता है, वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग था, मतलब बहुत ज्यादा अमेजिंग था। और एक एंडिंग वाली फाइट सीक्वेंस वो भी काफी ज्यादा बवाल थी। लेकिन इसी के अलावा इसके एक्शन सीन में एक नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि जब जब इनके हैंड टू हैंड कॉम्बैट आते हैं तो वहाँ पे कुछ एक्शन सीन चोपी नजर आते हैं, जो कि मैं मूवी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट कहूंगा। तो भाई अब बात कर लेते हैं इस मूवी के एक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं इस मूवी के विलन के बारे में बात करना चाहूंगा, जो कि है विजय सेतुपति। भाई ये बंदा जब जब स्क्रीन पे आता है और जब कुछ बोलता है तो उसके बात करने के टोन की वजह से आपके चेहरे में हमेशा एक स्माइल रहेगी, लेकिन एक डर के साथ, क्योंकि भाई इनका जो कैरेक्टर इस मूवी में वो पूरी तरीके से सनकी है, जो कि अपने बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ इस मूवी की जो फीमेल लीड्स है, जो कि है नयनतारा और दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण हमेशा अपने परफॉर्मेंस में चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस देती है और इस मूवी में भी वो बरकरार है, लेकिन मैं यहाँ स्पेशली बात करूंगा नयनतारा की। सबसे पहले तो मैं नयनतारा से ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज आपका सबसे बड़ा फैन बन चुका हूँ। भाई ये एक्ट्रेस सेम टाइम हॉट लगती है, सेम टाइम क्यूट लगती है, और सेम टाइम ही दबंग भी लगती है। जब जब ये स्क्रीन पे आती थी मेरे चेहरे पे तो हमेशा एक स्माइल आ जाती थी। लेकिन इन दोनों के अलावा भी इस मूवी में जितने भी फीमेल लीड्स थी उन सब ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। लेकिन अब बात करते हैं हम इस मूवी के मेन आईपी की, जो कि इस मूवी के मेन हीरो शाहरुख खान। क्योंकि भाई ये पूरी मूवी 2.5-3 घंटे की है, लेकिन इसके अलावा भी शाहरुख खान की प्रेजेंस आपको 95% इस मूवी में मिलेगी। और जब जब शाहरुख खान स्क्रीन पर रहेंगे, चाहे वो कैसे भी गेटअप और कैसे भी लुक में हो, वो अपना 100% देते हैं और वो आप सबको फील होता है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इस मूवी में आउटस्टैंडिंग थी। वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है, उनकी हर मूवी में परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग ही रहती है। शाहरुख खान जब जब इस मूवी के स्क्रीन पे होते हैं तब उनके मासिव परफॉर्मेंस को देख के आप या तो एक्साइटेड होंगे या फिर उनके इमोशनल सीन देख के आप भी इमोशनल होंगे। मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, खानों में खान किंग खान शाहरुख खान। तो भाई ये था एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू, लेकिन मैं इस मूवी के बारे में और भी आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन वो एक स्पॉइलर कैटेगरी में आ जाएंगे, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जो कि जल्दी मेरे चैनल पे आ जाएगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप मैं और हम सभी सिनेमा के दीवाने हैं मिस्टर मैन।